friends, I'm Girish and today we are going to learn about Remoto. So here we have to understand about Remoto first. What is Remoto? Remoto can be used in both making sentence affirmative and negative. जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं तब भी रिमोट का यूज होता है, नेगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस को चेंज करते हैं तब भी रिमोट का यूज होता है. सो इट कैन बी डिपेंड ऑन द सेंस ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का मीनिंग देख के हमको रिमोट में सेंटेंस को चेंज करना है. तो रिमोट कैन बी अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, इन द बोथ द स्टेटमेंट इट कैन बी डन. ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव टू लर्न द फॉर्मेशन. सो वी गो फॉर द फॉर्मेशन फर्स्ट. सो always a sentence will get start with subject. So first and foremost we have subject over here. Subject, as I have told you, I, you, we, they, he, she, it, or doer of an action. जो activity को करने वाला होता है वो क्या होता है? Subject होता है. जैसे मैं अभी यहाँ पे subject हूँ क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. Activity किसके द्वारा हो रही है? गिरीश सर के द्वारा activity हो रही है. तो subject कौन हुआ यहाँ पे? गिरीश सर subject हुए. इसी तरह से सब्जेक्ट आएगा, पहले सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में टू बी का फॉर्म आएगा. द मीनिंग ऑफ टू बी फॉर्म, एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, टू बी फॉर्म मींस इज, एम, आर, वाज, वर, दीज आर नोन एज टू बी फॉर्म. तो सेंटेंस में टू बी फॉर्म आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर टू बी फॉर्म आएगा. Then TOO, जिसको हमको क्या करना है? रिमूव करना है. रिमूव टू, इट्स हेडिंग इटसेल्फ टेल्स यू, राइट? तो रिमूव टू करना है, तो TOO वाला आएगा. देन द एडजेक्टिव आएगा, देन सिंगल टू आएगा, सिंगल टू के बाद में वर्ब आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा एंड द फ्रेजेस आएगा. इट इज यूज्ड टू, रिमूव टू, ये जो है इसके अंदर टू का यूज हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड टू. ग्रामर का एक और टॉपिक है यूज्ड टू. जब आप रिमूव टू करेंगे तो रिमूव टू में टू को रिमूव कर देना है. तो जब हम रिमूव टू कर रहे हैं, वी आर डीलिंग विद रिमूव टू, सो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रहेगा, टू बी का फॉर्म है एज इट इज रहेगा, टू बी का जो फॉर्म है एज इट इज रहेगा, TOO है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय सो, एडजेक्टिव रिमेन सेम, देयर विल बी नो चेंज इन द एडजेक्टिव, सिंगल टू विल बी रिप्लेस्ड बाय then, so TOO will be replaced by so, single to will be replaced by that, and after putting that we have to add subject. subject हमको कहाँ से मिलेगा? subject starting में जो है मैंने आपको बताया था वहाँ से subject मिलेगा. तो subject can be a male or female both. अगर male है तो he आएगा, female है तो she आएगा. और group of the people है तो वहां पे हम THEY दे का यूज कर सकते हैं. ग्रुप ऑफ द पीपल है तो हम दे का यूज कर सकते हैं. उसके बाद में वी हैव टू डील विद द सेंटेंस. इफ इट इज इन प्रेजेंट टेंस, इफ इट इज इन प्रेजेंट टेंस तो सेंटेंस में कैन आएगा, अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में दिया है तो कुड आएगा. अगर अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव में है तो कैन लगाना है या कुड लगाना है. सेंटेंस नेगेटिव शो करता है, सेंस नेगेटिव आ रहा है तो नॉट भी आ सकता है, कैन नॉट भी आ सकता है, could not be आ सकता है. उसके बाद में cannot और could not के बाद में simple modal auxiliaries में हमेशा verb का first form आता है. For example, I can dance, I could dance. तो can के साथ में भी dance रहा और could के साथ में भी dance रहा. Okay, then verb का first form and the phrases. Now हमको can और could कब लगाना है उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे. To be का form, to be का form अगर is, am, are दिया है या verb का first form दिया है और verb में s, s, is दिया है, this shows present tense. ये present tense show करता है. अगर present tense है sentence में तो subject के बाद में can या cannot आ सकता है sentence में friends. उसके बाद में अगर sentence में was या were आए, sentence past tense show करता हो, was आए या were आए या verb का second form आए, अगर सेंटेंस में वॉज या वर आए या वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है तो हमको सब्जेक्ट के बाद में कुड या कुड नॉट लगाना है. दैट डिपेंड्स ऑन अ सेंटेंस. नाउ वी विल सी द एग्जांपल ओवर हियर. आई हैव गिवन द एग्जांपल, वी विल सी द एग्जांपल. गरिमा इज टू अपसेट टू पे अटेंशन. गरिमा इज टू अपसेट टू पे अटेंशन. तो पहले TOO है, that will be replaced by so,
सिंगल टू विल बी रिप्लेस बाय एज पर ग्रामेटिकल रूल्स एज पर ग्रामेटिकल रूल टी ओ टू विल बी रिप्लेस बाय डेट टी ओ डबल टू विल बी रिप्लेस बाय सो जैसे हमने यहां पे किया ये टू था उसकी यहां पे सो आ गया सिंगल टू था उसकी यहां पे डेट लगा दिया गरिमा का गरिमा सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रहा इज का इज अपसेट का अपसेट नाउ द मीनिंग अपसेट शोज नेगेटिव मैंने आपको बताया अगर सेंस नेगेटिव हो तो आंसर में कैन नॉट या कुड नॉट आ सकता है सो सब्जेक्ट दैट की बात में टू विल सिंगल टू विल बी रिप्लेस बाय दैट दैट की बात में आपको क्या लगाना है सब्जेक्ट लगाना है सब्जेक्ट कहां से मिलेगा सब्जेक्ट यहां पे गरिमा है गरिमा के लिए प्रोनाउन क्या होगा सी होगा देन आई हैव एडेड ओवर हियर सी उसके बाद में सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि इज एम आर है सेंटेंस में अगर इज एम आर है तो हमको कैन लगाना है अब नॉट लगाना है कि नहीं लगाना है वो सेंटेंस के एडजेक्टिव से पता चलेगा अपसेट है यानी वो दुखी है सैड है तो अटेंशन कर अटेंशन पे कर पाएगी नहीं वो अटेंशन नहीं पे कर पाएगी दैट इज व्हाई सी कैन नॉट पे अटेंशन दिस इज हाउ वी डू रिमूव टू वी विल सी मोर एग्जांपल ऑन इट Part is too clever to solve the puzzles. Part is too clever to solve the puzzles. ये two दिया है, that will be replaced by so. Single two दिया है, that will be replaced by that. Part का part. Is का is, clever का clever. That के बाद में हमको क्या लगाना है rules according to rules. That के बाद में हमको क्या लगाना है subject लगाना है. Subject हमको कहाँ से मिलेगा आगे से क्या दिया है part. Part के लिए यहाँ पे subject पे pronoun क्या आएगा he. Now sentence is given in present tense. तो पहले हम क्या लगाएंगे can लगाएंगे. अब sentence का meaning समझेंगे. Part is too clever. अगर वो clever है तो कोई भी पजल सॉल्व कर पाएगा यस ऑफ कोर्स ही कैन सॉल्व वो सॉल्व कर सकता है तो इसमें नॉट नहीं आएगा बिकॉज ये अफर्मेटिव सेंस शो कर रहा है पॉजिटिव सेंस शो कर रहा है दैट इज व्हाई नॉट विल बी रिमूव दैट विल बी इनटू ओनली अफर्मेटिव में सेंटेंस को चेंज करेंगे सो ही कैन सॉल्व द पजल्स दिस इज हाउ वी कैन कम टू कंक्लूजन राइट especially about remote we will see more example on it many students are too worried many students are too worried to go out in lockdown many students are too worried to go out in lockdown first and foremost two will be into so ye two hai that will be into that t double o two will be replaced by so single two will be replaced by that Many students का क्या रहेगा Many students R का R, worried का worried. After putting that, we have to add subject. अब subject को हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है Subject क्या है Many students है बहुत सारे Noun एक से ज्यादा है तो एक से ज्यादा हो group हो तो हमको क्या put करना है They. They के बाद में हमको can या could लगाना है That will be decided from वर्ब आर दिया हुआ है हेल्पिंग वर्ब आर दिया है यानी प्रेजेंट टेंस को करता है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कैन लगाएंगे उसके बाद में सेंटेंस में नॉट लगाना है कि नहीं लगाना है वो डिपेंड किस पे करता है सेंटेंस के सेंस पे तो वरीड है तो जब हम चिंता में है हमको डर लग रहा है फियर है हमारे माइंड में तो हम बाहर निकलेंगे नो वे वी विल नॉट गो आउट
तो दे कैन नॉट गो आउट इन लॉकडाउन. दिस इज द वे वी आर एबल टू सॉल्व द सेंटेंस. नाउ दिस इज ऑल अबाउट इज एम आर वॉज वर इज ऑल अबाउट हेल्पिंग वर्ब. अगर इज एम आर है तो सेंटेंस में कैन या कैन नॉट आएगा. अगर वॉज वर है सेंटेंस में तो could या could not आ सकता है, depends on the sentence. अब हम देखेंगे कि action verb में अगर sentence दिया हुआ है, अगर action verb में sentence अगर आपको दिया हुआ है, action verb means if it is in the way of like this, verb first form or verb with s es is form, or whether it is all about verb second form. action verb है, right? go, go हो या goes हो, take हो या takes हो, या went हो या took हो, तो हम sentence को कैसे solve करेंगे? That is we have to see over here in the sentence. Payal, Payal takes two. Payal takes two. Payal takes too little. Payal takes too little to walks miles. Walk miles. Payal takes too little to walk miles. ऐसा sentence दिया हुआ है, right? So for example, two will be replaced by, so single two will be replaced by that. Pile का pile, takes का takes, little का little, sorry. Pile takes, two will be replaced by so, single two will be replaced by that. Then we have to add subject. Subject कौन है? Pile है. Pile के according यहाँ पे क्या आएगा? C. Then takes, takes verb का first form है. S E S I S form है, singular form है. अगर verb का first form दिया हुआ है या S E S I S form दिया हुआ है तो हमको क्या लगाना है? Can लगाना है. अच्छा, उसने बहुत कम खाना खाया तो चल पाएंगे? But obviously वो चल पाएंगे. किसी ने बहुत पेट भर के खाना खाया है तो we are not able to walk, है ना? We cannot able to walk miles, right? If we are totally fitted, no. Now, so she can walk miles. Okay, one more example we see on it. This topic made him too disturbed. This topic made him too disturbed to solve. So we'll see the sentence. This topic made him to be replaced by so. Disturb का क्या हुआ यहाँ पे? Disturb single to will be replaced into that. Now we have to put over here subject. अभी भी हमको यहाँ पे subject रखना है. Subject कैसे पता चलेगा? This topic is कोई subject नहीं है, object है. This topic made him disturb. ये topic ने disturb किया. किसको disturb किया? Him को disturb किया. तो solve कौन नहीं कर पाएगा? वही solve नहीं कर पाएगा. Him will be into he. तो he sentence made दिया है. Second form है तो उनको क्या लगाना है? Could लगाना है. And he is disturbed, right? तो he could not solve. और topic है, non-linear है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? It आएगा. This is the way, in the both way you can sort it out the sentence. We will see one example more on it. By that it will be much more clear. For example, this argument
इज, दिस आर्ग्यूमेंट इज टू मीनिंगलेस, टू मीनिंग लेस फॉर हिम, टू दिस आर्ग्यूमेंट इज टू मीनिंगलेस फॉर हिम टू comprehend, comprehend the meaning of comprehend, to understand. Okay, now this argument is too meaningless for him to comprehend. So what we will do over here, this argument is so meaningless for him that after that subject kaun hai, him hai, to kya hoga, he, then is yet, to can, he can, meaningless है, right? तो he won't be able to comprehend, तो he cannot comprehend it. What is the answer? This argument is to ka so, TW2 will be into so, meaningless. This argument is so meaningless for him. ये जो two है उसके यहाँ पे क्या आएगा? That. So this argument is so meaningless for him that. Now we have to add subject. That subject क्या him है? तो him का क्या होगा यहाँ पे? He. Then is the sentence मतलब क्या आएगा? Can. सेंटेंस मीनिंगलेस, मतलब मीनिंग क्या हो रहा है? मीनिंगलेस. सेंटेंस का मीनिंग नेगेटिव है, तो क्या आएगा? नॉट. तो ही कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड इट. आई होप यू अंडरस्टैंड द रिमूव टू, राइट? हाउ टू डील विद द रिमूव टू. इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट यूज टू. रिमूव टू का उल्टा क्या होता है? यूज टू. पहले यूज टू दिया होता है, उसका हमने रिमूव टू किया, अब रिमूव टू का उल्टा हम क्या करेंगे? यूज टू. I hope you like the video. Please share and subscribe. Thank you for watching. Bye-bye.